Hello and welcome to the News Time. Today we are going to know about the high-tech education consultancy which helps people migrate and shaping their careers. It is an abroad education consultant which works for students' higher education with the vision of making abroad education accessible to all. The mission of the high-tech education is to motivate youth with greater hopes of better future and giving the right guidance to all. High-tech education offers different services and unique programs such as PTE coaching, GMAT coaching, foreign study, immigration, visa for business and tourist, and many more. Due to the corona pandemic, people are having negative mindsets for going abroad. But in some countries, there are zero results of corona. So the embassy is giving permission to those who wants to study, work, or to make future can go and attempt their desired goals with all safety and precautions. The head office of the high-tech education is at Samet Complex in Ahmedabad, Gujarat. The other branch offices are at Sigma Complex, Vallabh Vidyanagar, Anand. If you are living in Vadodara, you can visit their branch office at Paradise Complex, Sayajinganj, Vadodara. For more information, search into their website www.hightecheducation.org. जी बिल्कुल, अभी वीज़ा को लेकर स्पेशली फॉर कनाडा कंट्री लोगों के मन में, जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। एंड हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रूमर्स भी हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। सो स्टूडेंट को हम यही बताना चाहेंगे कि अभी कनाडा इमिग्रेशन में सब कुछ, अभी प्रोसीजर्स जो हैं, एडमिशन है, वीज़ा है, सब कुछ ऑनगोइंग है। आप आपका एडमिशन सिक्योर कर सकते हो जनवरी 2021 इनटेक के लिए। अगर किसी स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल सेमेस्टर का, एंड किसी का अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, ऐसे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि हमारा जब डिग्री सर्टिफिकेट रिसीव होगा तब हम अप्लाई करेंगे। तो हम स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट्स फाइनल सेमेस्टर के नहीं आए हैं तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंडीशनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो एंड सिमिलरली, जो स्टूडेंट्स अभी तक IELTS नहीं दे पाए हैं उनके लिए भी ये कंसेशन अभी मिल चुका है कि अगर आपका IELTS स्कोर नहीं है फिर भी आप कंडीशनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर आपको एंड में आप एडमिशन लेना चाहते हो, इनटेक अभी कंप्लीट होने आया है, डेडलाइन है, और फिर आप अप्लाई करना चाहते हो और आपकी आपको सीट नहीं मिल रही है। सो एक वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका गैप बढ़ सकता है। सो हम स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका ड्रीम है, आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, सो जस्ट फर्स्ट रिजर्व योर सीट। सीट रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना है, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस एट दिस मोमेंट। कुछ कॉलेजेस हैं जो विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस अभी प्रोसेस कर रहे हैं एप्लीकेशंस, सो जस्ट टेक दैट एडवांटेजेस, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सेकेंडली, हम स्टूडेंट को हर तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू अवर सोशल मीडिया, थ्रू अवर वेबसाइट्स एंड अनदर ऑप्शंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। सो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उन्हें आप फॉलो करें, हाईटेक एजुकेशन वडोदरा को फॉलो करें, एंड हमारा ब्रांच है अहमदाबाद में भी, हेड ब्रांच। सो आप हमारे वेबसाइट को भी जस्ट आप एक बार जाके रिव्यू करें, वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो भी अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उनके साथ अपडेटेड रहते हैं ऑलवेज। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो भी न्यूज़ आती है हमारे पास इंस्टेंटली अवेलेबल है। सो जस्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप परफेक्ट आपका काउंसलिंग सेशन आप करवा दीजिए, विदाउट एनी काउंसलिंग आप कोई डिसीजन मत लीजिए। सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर दिस। High-tech education Baroda welcomes you here. You very well know what's the situation that's going on. We all are facing a very bad situation right now. It's a COVID-19. Hope we all come up with very high expectation on it. Stay healthy, stay safe with COVID. High-tech education over here teaches IELTS too. IELTS is an online coaching classes right now we are going because of COVID.
social distancing has to be mentioned, right? Because of that, we come up with an online coaching classes. Over here, we teach the students through online, personalized online classes. IELTS is something which is very important for migrating to foreign studies, foreign countries. Till date, we have trained more than 5,000 students from high-tech education. IELTS is something which explains you that in foreign when you go, it's quite difficult for you to make understand the language that you have been learned. Through IELTS, it becomes easier for you to connect with people over there. IELTS is basically having four modules. One is listening, speaking, then you have the reading and writing. See, speaking is something gives you more confidence. Reading is it's very easy module because whatever is been there, you can just go through reading. Writing is where we give the children a little bit more practice. The student has to practice on writing. Why? Because speaking, listening is quite easier for everyone. But while we come up with the writing skills, right, everything goes into a little deeper meaning and without any grammatical mistakes we have to go on. So high-tech trains the students very nicely for writing. And the fourth one goes with speaking. It's like you have to go on with the confidence with the speaking that high-tech provides. You don't have to get someone with little bit of a mindset that I don't know anything. Yes, the confidence comes your more. IELTS gives the students, you have a complete confidence while you are speaking. The eye contact that you go on with is the best thing you can have while you're been talking with someone. Tech education पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में वी आर इनटू स्टूडेंट वीज़ा एंड इमिग्रेशन इंडस्ट्री. हमने करीबन 25,000 प्लस स्टूडेंट्स पिछले 20 सालों में उनका जो ड्रीम है फॉरेन एजुकेशन का उसमें हमने हेल्प की हुई है. हम उसमें इंस्ट्रूमेंटल बने हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो डीलिंग इन इमिग्रेशन पार्ट. तो जैसे कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे PR प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए. सो वी आर हेल्पिंग आउट देम विथ ऑल द लीगल डिटेल्स विच इज़ अवेलेबल, जो उनको IELTS से लेके जो उनको जॉब ऑफर लेटर या जो उनकी PR की प्रोसेस करवानी है, उन सब में हम उनको हेल्प करते हैं. एंड वी हैव रियलाइज ऑलमोस्ट से करीब करीब हमारे 1500 से प्लस लोगों को हम PR की जो उनका जो ये है हमने उनमें हेल्प की हुई है. फिलहाल जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन है COVID-19 की वजह से, तो फिलहाल जो विजिटर वीज़ा है वो अभी इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ. जो टेम्परेरी वीज़ा बोलते हैं जहाँ पे कनाडा हो या USA हो, USA तो खैर पूरा बंद ही है, बट हाँ अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है, स्टूडेंट्स के लिए जारी की है, विजिटर्स के लिए जारी की है. बट फिलहाल जो टूरिज़म पर्पज से जो टूरिज़म होता है, जो हॉलीडे पर्पज से जो टूरिज़म होता है, दैट विल नॉट, वो अभी उतना अभी उसको फोकस नहीं दिया जाएगा. अभी सिर्फ स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा PR या डिपेंडेंट वीज़ा जो है उसमें दे आर फोकसिंग. मेरा ये मैसेज है कि कोई भी कंट्री है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या UK हो, आप जब बाहर के देश में जाते हैं तो आपका मीडियम ऑफ स्टडी जो होता है वो इंग्लिश ही रहता है. वहाँ की जो सोशल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है. इंटरनेशनली वी नो दैट कि इंग्लिश है. तो अगर हमें वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ पे करियर बनानी है या वहाँ पे जाके PR होना है आगे जाके, तो इंग्लिश को हमें प्राधान्यता देनी होगी, इंग्लिश को हमें इम्पोर्टेंस देना होगा, इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए. और IELTS इज़ अ बेस्ट मीडियम कि आप वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई आप उसकी प्रिपरेशन करके कि ये आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के जो चार मॉड्यूल्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस करके अच्छे बैंड्स ला के यू कैन सिक्योर योर वीज़ा. क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि मेरे वहाँ जो स्टूडेंट या आता है या मेरे वहाँ जो प्रोफेशनल आता है या मेरे वहाँ जो रहने आता है उसको मेरी जो देश की जो लैंग्वेज है वो आ ही नहीं. अगर ऐसा होगा तो आप वहाँ पर जाके सस्टेन ही नहीं कर पाओगे. सो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप बाहर जाने का सपना देखते हैं, बाहर जाना है आपको, तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना ही चाहिए. IELTS काफ़ी प्रूवन मॉड्यूल है जिसमें चार मॉड्यूल, जैसे आप हमें पता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश राइट लर्निंग टेस्ट, तो उसमें पार्ट ये आता है कि चार मॉड्यूल्स आते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग.
जब बच्चे होते तो हमें पहले हम क्या सीखते हैं, सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, सेम ईयर विथ द लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में ये चार चीज़ें आती हैं और चार चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चार चीज़ें हम अच्छे से करते हैं तो हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और अच्छे से काम भी कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से IELTS पे जोर देना चाहिए हमें। जी कोरोना 19 की वजह से, यानी कोविड 19 की वजह से स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, जो विजिटर्स हैं उनको तो पता है कि भाई मैं अभी जा नहीं पाऊँगा, लेकिन स्टूडेंट्स जो अपनी करियर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उनकी हुई ही नहीं है, या कुछ लोग ऐसा सोच के बैठे होंगे IELTS की प्रिपरेशन करके कि यार मैं IELTS में दे दूँ, उसके बाद मैं जो मेरा जो फॉरेन पढ़ने जाने का जो सपना है वो मैं पूरा करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उन स्टूडेंट्स को ऐसा कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम USA के अलावा कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, सभी लोगों ने, इनफैक्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज़, 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपने डोर्स ओपन कर लिए हैं। सो अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन अप्लाई। जैसे कनाडा की सिचुएशन ऐसी है कि हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, एडमिशन हो सकते हैं, हम एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है कि अगर वो कनाडा जाना चाहते हैं तो उनका इन प्रिंसिपल वीज़ा दे विल अप्रूव्ड उनके लिए, वो अभी दे विल नॉट वेट फॉर मेडिकल एंड देयर बायोमेट्रिक। तो इन प्रिंसिपल अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है देन दे कैन स्टार्ट देयर ऑनलाइन स्टडी। उसके बाद जब भी BFS ओपन होता है या जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन होता है देन दे कैन गेट देयर पासपोर्ट स्टैम्प एंड दे कैन ट्रैवल। सेम ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने एप्लीकेशन अभी तक होल्ड पे थी, ऑस्ट्रेलिया ने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने भी यही कहा है कि दे कैन स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस एंड दे विल इशू द वीज़ा, और उसके बाद जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट होगा देन दे कैन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। सो सेम विथ UK ऑल्सो। सो ये सभी कंट्रीज़ ने ओपन कर दिया एंड दे आर वेलकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स।